हेलो वाइज मैं हूं अमित और अभी जो आपने शुरू में वीडियो देख लिया है आज मैं इसी स्टेटस का ट्यूटोरियल आप सबके बीच में देने वाला हूं जो कि इंस्टा इंस्टाग्राम पर बहुत ज़्यादा वायरल होती है एक भाई के चैनल पे जिसका नाम है द डीप लिरिक्स करके और उसी भाई ने इस तरह की वीडियो बनाए हैं तो मेरे को बहुत दिन पहले भी ये वीडियो का सजेशन आया था कि भाई इसका ट्यूटोरियल लेकर आ जाओ पर मैं लेकर नहीं आ रहा था क्योंकि ये जो वीडियो है शायद भाई जो है सो अपने ही मोबाइल में स्क्रीन रिकॉर्डिंग करता है और शायद वन प्लस का मोबाइल में ये फीचर दिया जाता है तो उसी पर म्यूजिक प्ले करके और स्क्रीन रिकॉर्ड करके फिर एडिट कर देता है कैपकट में पर आज मैं आप सबके लिए खासकर सभी मोबाइल के लिए मैं लेकर आ गया हूँ जो कि अलाइट मोशन और प्लस में कैप कट के साथ में ये वीडियो को एडिट करेंगे तो ध्यान से देखिएगा थोड़ा सा लंबा हो सकता है वीडियो तो टू एक्स स्पीड में देख सकते हो तो चलिए सिखाते हैं कैसे करना है लेकिन उससे पहले अभी तक आपने इस वीडियो के लिए लाइक नहीं किया है तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा लाइक करने को अच्छा लगता है खराब लगता है नीचे कमेंट बॉक्स वहाँ पर कमेंट कर दीजिएगा कि आपको कैसा लगा साथ में कोई वीडियो को सुझाव देना है या कुछ पूछना है तो डायरेक्ट मेरे इंस्टा पर बोल सकते हो वहाँ पर मैं आपको रिप्लाई ज़रूर करूंगा और आप चैनल पर नहीं हो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल कर लीजिएगा साथ में सेकेंड चैनल और कॉमेडी चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में तो उस चैनल को भी चेक कर लीजिएगा तो वीडियो स्टार्ट कर देते हैं ना कोई पूरा को आप देखते रहिएगा हमेशा टेक्निकल महात्मा सो so गाइस वीडियो बनाने के लिए आगे वो मोबाइल स्क्रीन पे वीडियो को ध्यान से देखते रहिएगा वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है तो टू एक्स स्पीड कर लेना अब आपको सबसे पहले क्या करना है एलाइट मोशन में वीडियो एडिट करना फिर कैपकट में तो एलाइट मोशन ऐप को ओपन करते हैं प्लस आइकन पे टैप करना है नाइन एच टू सिक्स ट्वेंटी सेवन टेन आट के साथ शार्ट फ्रेम रेड के साथ ब्लैक स्क्रीन के साथ क्रिएट प्रोजेक्ट पे टैप करना है अब आपको एक साउंड चीज़ साउंड के लिए वीडियो बनाओगे तो प्लस पे टैप करते हैं एडियो से ले सकते हो नहीं तो मीडिया में चलते जो स्टेटस मैंने क्रिएट किया है सो अलाइट मोशन में आती हैं और ये फर्स्ट पार्ट है सेकेंड पार्ट ये है तो इसका मैं बताऊँगा कैसे करना है तो इसको सेलेक्ट कर लेते हैं इसमें से साउंड एक्सट्रैक्ट करना है तो थ्री डॉट पर क्लिक करके एक्सट्रैक्ट एडियो और वीडियो को सिलेक्ट करके डिलीट कर देते हैं ए नॉर्मल साउंड है इसमें कोई भी स्लोमो साउंड नहीं है जो रिवर्व हुआ था उस प्रकार से तो यहाँ भी आपको क्या करना है दो भागों में इसको ऐड करना है जैसे कि मैं आगे बताता हूँ सबसे पहले डिस्क्रिप्शन में जो मैंने वेबसाइट लिंक दिया वहाँ से एक्सम एल और सब चीज़ मिलेगा जितना मटेरियल है तो एक्सम एल वाले फाइल में सारा मटेरियल मिलेगा तो वो डाउनलोड कर लीजिएगा जो कि मीडिया में चलते जो डाउनलोड करके लाओगे बैकग्राउंड पी सो पिक्स आर्ट में आते हैं और यहाँ से पीएनजी आप सबके लिए बना दिया है तो इस प्रकार से इसमें कुछ भी लिखा हुआ नहीं है तो ऐसे ऐड हो जाएगा और उसके बाद इसे पूरा अंत तक कर देना करने के बाद अब आपको बीच में देखना है यहाँ से आप दो लिरिक्स आपका हो जाता है या तीन लिरिक्स हो जाता है तो बीच में आप स्लो मो करना चाहते हैं तो वो भाग को देखना होगा म्यूजिक थोड़ा सा रहना चाहिए तो जैसे कि मैंने रखा था नौ तेरह तक रखा था एक भाग को तो यहाँ पर नौ तेरह तक ऐसे करके यहाँ पर आते हैं और इतना पे हम एक स्प्लिट कर देंगे इस पिक को तो यहाँ से स्प्लिट कर दिया और दूसरा जो बचा सो तो यहाँ पे स्लो मूव हो जाता है यहाँ से तो इसके चलते इतना जगह रहना चाहिए जो कि यहाँ से रहे इस प्रकार से जब इतना हो जाए अब आपको क्या करना है इस फोटो को सिलेक्ट करना है और इसके स्टार्टिंग में आना है ब्लैंडिंग एंड ओपासिटी पर आएंगे फर्स्ट की इतना पे लगा देंगे और सेकेंड यहाँ पर डेढ़ या दो सेकेंड के बाद आना इतना पे मैंने लगाया था सेकेंड ऐसे और इसको पचास कर लेना है यहाँ से ऐसे करके पचास परसेंट कर लेते हो जो कि इस प्रकार से आपको ये फेड होता हुआ नजर आएगा और इसके पीछे जो रहेगा सो ऐड हो जाएगा यहाँ पे अब यहाँ पे हम क्या करते हैं एक मार्क लगा देते हैं और इस मार्क से हमें एक रेक्टेंगल सेलेक्ट करना है ऐसे करके सेलेक्ट कर लेते हैं इसका जो साइज़ है सो यहाँ पे एडिट से पे आते हैं एक्स में आपको रख लेना है एक सौ दस ऐसे करके और वाई को छोड़ देना है और यहाँ से बैक करेंगे बैक करने के बाद मोमेंट ट्रांसफॉर्म के जूम पे आएंगे और इसे नौ सौ पंचानवे कर लेना है तो इसके बराबर में हो जाएगा लगभग यहाँ पे देख लेते थोड़ा सा जूम आउट करके हाँ इतना नौ सौ पंचानवे आप रख लेना ऐसे करके हो जाए उसके बाद अब आपको क्या करना है थोड़ा सा छोटा लग रहा है या इसी के बराबर लगभग इतना है देख लेना इसे पूरा अंत तक कर देना करने के बाद अब आपको क्या करना है जो भी वीडियो इसके अंदर ऐड करना है वो वीडियो रील्स वाला हो या जो सॉन्ग के लिए बना रहा हो तो उसका ओरिजिनल वीडियो यूट्यूब से डाउनलोड कर लेना जैसे मैंने किया था मीडिया में चलते जो डाउनलोड किया हूँ सो डाउनलोड फाइल में ये वीडियो सेलेक्ट करता हूँ सेलेक्ट करने के बाद उस पार्ट को देखना है जहाँ से आपको रखना है इस पार्ट में तो यहाँ पर मान के चलिए हमने रखा था और आगे से तो यहाँ पर हम आते हैं उस पार्ट को देख लेते हैं जो रखना है हमें तो इस प्रकार से यहाँ पर ये हो जाता है उसके बाद ए पार्ट मैंने रखा था तो यहाँ से ये यह जो है फूल वाला सो ये स्टार्ट होता है यहाँ से इतना पे रखते हैं और इधर के भाग को हम कट कर देते हैं कट करने के बाद इस बटन पे क्लिक करेंगे फिर से क्लिक करेंगे यहाँ तक आ गए इस पर टैप करना है तो यहाँ तक आ गए इसमें का जो साउंड है सो हमें म्यूट कर देना है म्यूट करने के बाद अब आपको इसके एंड में जाना है जहाँ तक हमारा जो साउंड है मैंने ऐड किया वहाँ तक हमें इसे वीडियो को रखना है तो इसे हम कट कर देते हैं ज़्यादा हो रहा है तो अब जब इतना हो जाए इस नीचे इसे नीचे ले आएंगे और नीचे लाने के बाद अब आपको ये दोनों को ऐसे सेलेक्ट करके ग्रुप एज मास्क कर देना है ये वाला टैप करना है इसके अंदर चला गया अब आपको क्या करना है इस ग्रुप को सिलेक्ट करना है एडिट ग्रुप में जाएंगे और इस वीडियो पार्ट को इस प्रकार से जूम करना है जो कि इसके जो हमने साइज़ लिए हैं वो उसमें फिल हो जाए अच्छी तरह से तो ऐसे करके आपको जूम कर लेना है यहाँ से हम जूम कर लेते हैं इतना जो कि इसमें वीडियो आ गया अब आपको यहाँ पे कुछ इस प्रकार से देखने को मिलेगा जब इतना हो जाए यहाँ से बैक करेंगे और यहाँ पे जैसे ही ये फेड होगा तो आपको कुछ इस प्रकार से देखने को मिलेगा अभी ये इसे हम नीचे ले आते हैं ऐसे करके अब आपको देखने को मिलेगा ऐसे करके जैसे ही गया यहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा हो रहा है वीडियो पार्ट है सो थोड़ा सा ज़्यादा है तो यहाँ पर हम क्या करते हैं थोड़ा सा इधर खींच लेते हैं और इधर ऐसे इतना पे और अब आपको ऐसे करके पता नहीं चलेगा ऐसे करके फेड होता हुआ नजर आएगा अच्छा लगता है देखने में और इधर अब ज़्यादा हो गया तो हमें क्या करना है इससे ज़्यादा नहीं रखना है तो इसे कट कर देते हैं इतना हो जाए अब आपको क्या करना है एनिमेशन अच्छा सा ओरिजिनल लगे तो उसके चलते यहाँ पर आपने देखा होगा कि इसका ब्राइटनेस कम हो रहा था इस प्रकार से मतलब था तो उसको करने के लिए क्या करना है सबसे पहले प्लस पिटाप प् करके ये राउंडेड है इसको सेलेक्ट करेंगे एडिट सेप पे आते हैं यहाँ पे एक्स में आना है और इसका साइज़ 407 रख लेना है और इसको चेंज मत कीजिएगा इसको तिरपन रखना है और इसको रेडियस को पचपन रख लेना ओके करेंगे ओके करने के बाद यहाँ पे जो कलर है कलर एंड फिल पे आएंगे और ये वाला जो कलर है इसको सेलेक्ट कर लेते हैं सेलेक्ट करने के बाद मूव एंड ट्रांसफॉर्म पे आते हैं ये देख लेते हैं हाँ दोनों मैच कर गया अब आपको इसको एकदम तो अच्छे से एकदम बराबर इसके बिठा लेना है ना ऊपर रहना चाहिए ना नीचे रहना चाहिए अच्छे से एकदम सही पोजिशन पर इसको ऐड कर देना है तो यहाँ पर थोड़ा सा देख लेते दोनों तो एक ही कलर का है तो ऐसे रख लेना रखने के बाद अब आपको इसे पूरा अंत तक कर देना है जहाँ तक साउंड है आपका इतना करने के बाद इसमें एक इफेक्ट ऐड करना इफेक्ट में चलते हैं ऐड इफेक्ट में यहाँ पर देखने को मिलेगा वाइप में यहाँ पर रेडियल सॉरी क्या नाम है इसका मैटी मास्क की में देखिएगा वाइप इसको सेलेक्ट करना है स्टैंडर्ड करना है उसके बाद इंड में आना है फर्स्ट की प्लस कर देंगे और दूसरा यहाँ पे दस इकतालीस बयालीस जो था मतलब इतना सेकंड पे हमने उसका लगाया था तो इतना ही पे इसको कर देना है पच्चीस परसेंट ऐसे रख लेते हो तो यहाँ पे आप देख सकते हो इस प्रकार से जैसे ही कम होगा तो धीरे धीरे फेड यहाँ पे देख सकते हो ऐसे होता हुआ नजर आएगा अब ये सब तो हो गया लेकिन अभी भी ओरिजिनल नहीं लग रहा है क्योंकि यहाँ पे देख सकते हो इधर जो ब्राइटनेस का जो लोगो रहता है उस प्रकार का है तो उसको ऐड करने के लिए क्या करना है डिस्क्रिप्शन में एक पी मिलेगा उसे डाउनलोड कीजिएगा मीडिया में जाना है जो डाउनलोड करके लाओगे सो यहाँ पर इसको सिलेक्ट कर लेते तो हैं डायरेक्ट फिट ही हो जाएगा इतना में अब आपको इसे पूरा अंत तक कर देना है तो यहाँ पे थोड़ा भी फ़र्क नहीं चलेगा कि यहाँ पे हमने एडिट किया वीडियो को देख सकते हो तो ऐसे करके और यहाँ पे ओरिजिनल लग रहा है तो जब इतना हो जाए अब आपको क्या करें सो यहाँ पर ये यह सब मैंने कर दिया अब जो भी है टेक्स्ट लिखना है यहाँ पर तो प्लस फिट आप करते हैं टेक्स्ट पर चलते हैं और जो दिन हैं जो दिन है टाइम है वो लिखना है तो यहाँ पे ग्यारह बज के तीस मिनट का टाइम मैंने लिखा था वैसे तो लेट हो गया वीडियो अपलोड करने में क्योंकि यहाँ पे देख सकते हो अभी ग्यारह बजने वाला है और एडिट करते करते पता नहीं कितना बजेगा और उसके बाद यहाँ पे जो आज का तारीख था वो लिखना है तो यहाँ पर जनवरी ऐसे जीरो था तो यहाँ पर हम जीरो लिख लेते हैं जीरो और फ्रंट यही था एलाइन करेंगे बीच में और इसमें इसका जो साइज़ है सो कम कर लेंगे साइज़ कम करके चौदह रख लेना है और इसका कलर जो है सो so यहाँ पर सॉफ्ट वाइट रखना है उसके बाद ओके करेंगे ओके करने के बाद इसे मूव करके यहाँ पे हमें रख लेना है इतना पे जो उस तरह से लगे जब इतना हो जाए इसे पूरा अंत तक कर देना है जहाँ तक आपका साउंड है और अब आपको क्या करना है यहाँ पे अपना जो भी सॉन्ग बजा रहे हो सॉन्ग के लिए वीडियो बना रहे हो उसका नाम लिखना है तो प्लस पे आप करते हैं टेक्स्ट पे चलते हैं और जो आ, मतलब सॉन्ग का नाम है बोल दो ना जरा सो लिखना है बोल दो ना जरा ऐसे मैंने लिख लिया अलाइन करेंगे बीच में इसका जो फोनट यूज़ किया था सो पोपेंस बोल्ड इसी में अलाइट मोशन में ही मिलेगा इसका जो साइज़ है सो यहाँ से कम कर देंगे और कम करके दस रख लेते हैं ऐसे करके यहाँ पर थोड़ा सा और ऐसे और इसका कलर जो है सो आपको ये वाला रख लेना है जो सॉफ्ट वाइट है वो oh. और उसके बाद मूव करके यहाँ पे हम इसको रख लेते हैं इसके नीचे इतना पे एकदम बराबर अच्छे से रखना उसके बाद इसे पूरा अंत तक कर देना है करने के बाद अब आपको इसी का एक डुप्लीकेट कर लेना है डुप्लीकेट करने के बाद इसको सेलेक्ट करेंगे एडिट टेक्स्ट पर जाते हैं जो सिंगर का नाम है उनका नाम लिखना है तो यहाँ पर अरमान मल्लिक लिखना है इस प्रकार से जो सॉन्ग और उसके बाद यहाँ से इसको मूव करके नीचे ले आएंगे इतना पे ठीक है नीचे उसके बाद इसका कलर जो है थोड़ा सा चेंज करना है इससे पहले वाला व्हाइट देना है इस प्रकार का ये दे देते हो उसके बाद हल्का से यहाँ पे देखिए और जब इतना हो जाए अब आपको यहाँ पे वाटर मार्क जो भी आपका है उसको लगाना है जहाँ भी लगाना हो वो आप लगा लेना अब लिरिक्स की बात करते हैं लिरिक्स लिखना है तो सिंपल है प्लस पिटाप करना है टेक्स्ट पे जाना है जो लाइन है मुझे नींद आती नहीं इस प्रकार से लाइन है तो वो लिख लेते हैं इस प्रकार से हमने लिख लिया लिखने के बाद एलाइन करेंगे बीच में इसका जो फॉन्ट है वही सेलेक्ट करेंगे और इसका साइज़ बारह या दस रख लेना जो आपको पसंद हो जितना पे ग्रीन डॉट को इधर खींच लेते हैं उसके बाद इसका कलर सॉफ्ट वाइट रखेंगे ओके करेंगे ओके करने के बाद यहाँ पे इसको हम इतना पे रख लेते हैं रखने के बाद अब आपको क्या करना है इसमें एक इफेक्ट ऐड करना है जो कि फेड इन आउट एड इफेक्ट में आते हैं यहाँ पे ऊपर सिटी में देखने को मिलेगा फेड इन आउट इसको सिलेक्ट करेंगे प्लस करेंगे स्टैंडर्ड उसके बाद जितना उतना पे छोड़ देंगे इसका टाइमिंग देखेंगे कहाँ तक रहेगा तो ये रहेगा पाँच चौबीस तक तो हमें पाँच चौबीस तक रखना है तो इसे ऐसे करके यहाँ पे आ जाते पाँच चौबीस जहाँ भी होगा तो इतना पे ऐसे खींच लेते खींचने के बाद इसी लेयर को हम कॉपी कर देते कॉपी करने के बाद यहीं से दूसरा स्टार्ट होगा तो यहाँ पे हम पेस्ट करते पेस्ट करने के बाद इसका टाइमिंग देख लेना दस बत्तीस तक रहेगा मेरा लिरिक्स तो उसके हिसाब से ही रखना है तो यहाँ पर इतना तक रख कट कर देते हैं लिरिक्स चेंज करना है तो एडिट पर जाके चेंज कर लेना यहाँ पर फर्स्ट पार्ट एलाइट मोशन का काम ख़त्म यहाँ पर आप इस प्रकार से बना लोगे उसके बाद इसको हटा देना है हटाने के बाद अब आपको कैपकट में जाना होगा तो कैपकट का लिंक मेरे टेलीग्राम चैनल पे है पिन कर रखा है तो वहाँ से प्रो वर्जन डाउनलोड कर लेना और कैपकट को चलाने के लिए एक वी चाहिए जिसका नाम है सुपर वीपीएन प्ले स्टोर पर मिल जाएगी डाउनलोड कर लेना अब आपको नेट ऑन रखना है अपना नेट ऑन करने के बाद सुपर वी को सेलेक्ट करना है और यहाँ पे इसे को कैंसिल करते हैं यहाँ पे बस आपको कनेक्ट पे टैप करना रहता है तो ये लोड लेता है उसके बाद एक ऐड आएगा तो उसे कट कर देना सिंपल और कनेक्ट पे टैप करना है टैप करोगे यहाँ पे आपको एक मैसेज uh, आ जाएगा कि आपका यहाँ पे कनेक्ट हो गया देख सकते हो मिनिमाइज़ करना है अब आपको कैप कट में जाना है कैप कट में जाने के बाद क्या करना है सो so, यहाँ पे इस प्रकार से लोड ले ले फिर दिखाता हूँ तो यहाँ से एडिट पे आते हैं एडिट पे आने के बाद यहाँ पे न्यू प्रोजेक्ट का ऑप्शन दिख रहा है इस पर क्लिक करेंगे क्लिक करने के बाद आपको वो वीडियो को सिलेक्ट करना है जो वीडियो एक्सपोर्ट किया है लाइट मोशन से तो वो वीडियो जो भी है मेरा सो ये है तो इसको सिलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ पे मतलब टैप करते हैं क्रिएट वीडियो पे उसके बाद इस पर टैप करेंगे टैप करने के बाद यहाँ पे आपको नॉर्मल इस प्रकार से दिखाई देगा इसमें कुछ भी नहीं है अब आपको क्या करना है so, सो यहाँ पे इस वीडियो को सिलेक्ट करना है और सिलेक्ट करने के बाद स्पीड पे आना है और कर्व में आना है कर्व में आने के बाद यहाँ पे कस्टम पे आए ओगे और एडिट पे क्लिक करना है यहाँ पे एक ग्राफ दिखेगा अब आपको यहाँ पे आपके मोबाइल में जो स्क्रीन रिकॉर्डिंग देता है वो यहाँ पे देख सकते हो मेरे में है फाइल से तो इसको ऑन करना है नहीं तो अलग से स्क्रीन रिकॉर्डिंग प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना जो मैं यूज़ करता हूँ ए टू जेड नाम का तो इसको आप इंस्टॉल कर देना और रिकॉर्डिंग को अपना ऑन रखना रिकॉर्डिंग ऑन रख लेते हो यहाँ पर मान के चलिए अभी मैं करूँगा तो फिर दिक्कत हो सकता है तो स्क्रीन रिकॉर्डिंग चालू करना है और बाद क्या करना है प्ले बटन है इस पर क्लिक करना है और ये प्ले होगा लेकिन उससे पहले आपको क्या करना है साउंड सुन लेना जहाँ भी होगा मान के चलिए इतना है तो यहाँ से साउंड ऐसे करके रहता है और उसके बाद स्लो हो जाता है मैं साउंड अभी नहीं सुन रहा मान के लिए इतना ही तक तो इतना पे हम इसको एक पे रख लेते हो उसके बाद ये जो डॉट है इसको इतना पे ले आना है जीरो पॉइंट सेवन एक्स तक रखना है ऐसे और उसके बाद इसको भी जीरो पॉइंट सेवन एक्स ही रखना है ऐसे करके आपको साउंड सुन लेना है इधर स्लो हो जाएगा यहाँ से स्लो हो जाएगा ऐसे करके तो ये आपका क्या करना है यहाँ से प्ले बटन स्क्रीन रिकॉर्डिंग चालू रखना है और प्ले बटन पर क्लिक करना है और ऐसे करके स्क्रीन रिकॉर्डिंग हो जाएगा आपका पूरा तो यहाँ से ये जैसे पूरा हो रहा है मतलब चल रहा है और जितना साउंड के लिए बना रहे हो तो उसके हिसाब से मैंने ऐड कर दिया मैं साउंड नहीं सुन रहा हूँ तो बराबर ऐड होगा या नहीं पता नहीं तो ऐसे करके हो गया देख हो और यहां पर जब पूरा हो जाए तो स्क्रीन रिकॉर्डिंग को आपको ऑफ कर लेना है मतलब आपका सेट हो गया और यहां पे वीडियो भी सेट हो जाएगा क्लिक करना ओके पे यहां पे सेव हो जाएगा उसी प्रकार से अब जो स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऐड की हो मतलब रिकॉर्ड की हो उसको लाना होगा तो यहां से बैक करते हैं ओवरले पे चलते हैं और जाने के बाद ऐड ओवरले पे क्लिक करेंगे जो स्क्रीन रिकॉर्डिंग किए हो सो स्क्रीन रिकॉर्डिंग को सिलेक्ट करना होगा तो यहाँ से जो स्क्रीन रिकॉर्डिंग था यहाँ पे शायद ए वाला है देख सकते हो इसको सिलेक्ट करते हैं ऐड पे क्लिक करते हैं ऐड हो गया अब आपको इस पर टैप करना है इस प्रकार से हो जाए अब आपको इसमें भी साउंड बजेगा और बैकग्राउंड में जो आपका वीडियो है उसमें तो साउंड रहेगा ही तो आपको देख लेना बराबर चेक करके कहाँ से आपका साउंड मैच कर रहा है यहाँ पे प्ले बटन भी देख सकते हो कि कहाँ से हम प्ले कर रहे हैं तो उसको हिस्से को देख लेने यहाँ से देख सकते हो प्ले हो रहा है तो इधर का हिस्सा बेकार है तो स्प्लिट करते हैं और इसे यहाँ से सिलेक्ट करके डिलीट कर देना डिलीट करने के बाद इसे ऐसे खींचना है खींचने के बाद अब आपको इसके एंड में जाना है इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए तो इसको भी सिलेक्ट करके स्प्लिट करेंगे और इसे यहाँ से डिलीट कर देते हैं डिलीट करने के बाद के बाद अब आपको क्या करना है इसको बराबर ऐड करना है तो यहाँ से बैक करते हैं बैक नहीं करना है इसको सिलेक्ट करना है और यहाँ पे आपको इधर देखने को मिलेगा एडिट इस पर आना है और यहाँ पे क्रॉप पे आना है क्रॉप पे आने के बाद यहाँ पे वीडियो क्लिप को देख लेना ऐसे करके क्रॉप करना है आपको इतना पे इसको रख लेना है ऐसे करके और इधर से भी इसको इतना पे ऐसे करके सेलेक्ट करना है यहाँ पे सेलेक्ट नहीं हो रहा अभी तो वीडियो को भी ऐसे नीचे कर लेना ऐसे ऊपर से हो रहा है तो ऊपर से ही रखना और इसको ऐसे करके रख लेना रखने के बाद आपको एक क्रॉप कर देता है थोड़ा सा और कर लेते हैं इतना और जब इतना हो जाए तो अब आपको क्या करना है यहाँ पर बराबर एकदम सेंटर में ला लेना ओके करना, ओके करना है ओके करने के बाद अब दूसरा काम करना है यहाँ से बैक करेंगे इधर आओगे तो देखने को मिलेगा मास्क इसको सिलेक्ट करना है और सिलेक्ट करने के बाद वी ऑन रख रहे तभी देखिएगा मीटर वाला सेलेक्ट करना है और सिलेक्ट करने के बाद एडजस्ट पर आना है और फीदर पर आना है फीदर को थोड़ा सा बढ़ा लेना ऐसे बढ़ा रहा है कि बैकग्राउंड में जो भी रहेगा वो गायब हो जाएगा सिर्फ मेरे को जितना चाहिए उतना पे रहेगा तो इतना रखने के बाद अब आपको यहाँ से ओके करना है ओके करने के बाद इस प्रकार से हो जाए तो इसे हम दोनों फिंगर से ऐसे छोटा कर देंगे जितना पे हमें रखना है जहाँ रखना है आपको जहाँ रखना है उतना पे रख लेना ऐसे रख लेते हैं उसके बाद इधर आओगे तो देखने को मिलेगा आपको आ, ब्लेंड का ऑप्शन थोड़ा सा इधर आते हैं ये यहाँ पे देख सकते हो इसको सेलेक्ट करना है बी पी ऑन रहेगा ओवरले नहीं करना है यहाँ पे आओगे लाइट एंड सेलेक्ट कर लेना लाइट एंड करने के बाद बैकग्राउंड गायब हो जाएगा ओके करना है यहाँ पे आपका एक काम कंप्लीट हुआ है यहाँ से बैक करते हैं यहाँ पे ऐड कर लिया आपने अब आपको क्या करना है सो इफेक्ट ऐड करना है जो कि इफेक्ट में आते हैं और वीडियो इफेक्ट पर आना है यहाँ पर आपको ये लोड लेगा उसके बाद इधर आपको ओपन एंड क्लोजिंग में आना है और यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा बहुत तरह का ब्लर तो इसमें से ब्लर में आपको हलो ब्लर सबसे पहले मिलता है इसको सेलेक्ट करना है और इस प्रकार से हो जाए ओके करना है ओके करने के बाद इतना ही दे रखेंगे या इससे भी कम रखना है तो आप ऐसा छोटा कर सकते हो और यहाँ पे इसका काम कंप्लीट हो गया इस प्रकार से आपका ये वीडियो आपको ऐड हो गया और बन गया अब यहाँ से एक्सपोर्ट कर लेना है वीडियो को जो कैपकट से बनाए हो सो तो यहाँ पर टूके रख के एक्सपोर्ट कर लेना है मैंने पहले से कर रखा है अभी छोड़ देते हैं अब कैपकट का भी काम ख़त्म हो गया अब वी पी एन यहाँ से हटा देते हैं वी पी एन को ऑफ कर लेना है तो यहाँ से टैप करते हैं ऐड ना देखने तो इसके चलते डिस्कनेक्ट कर देते हैं और जब इतना हो जाए अब आपको फिर से एक बार एलाइट मोशन में जाना है और जो अभी एक्सपोर्ट किए हुए एलाइट कैपकट से वीडियो उस वीडियो को लाना है तो यहाँ पे सिंपल काम करना है एक ही इफेक्ट ऐड करना है जो कि हिलने वाला तो यहाँ पे क्रिएट पे पिटाप करते हैं और जो कैपकट से वीडियो एक्सपोर्ट किए हो मीडिया में चलते हैं जो लाओगे मतलब कैपकट से एक्सपोर्ट करके उसको सेलेक्ट करना है एक कैपकट वाला है इसमें कोई हिलने वाला इफेक्ट है इस प्रकार से अब इस वीडियो को सिलेक्ट करेंगे इफेक्ट में जाएंगे एड इफेक्ट में डिस्ट्रोशन बार्प में देखने को मिलेगा यहाँ पे फ्रैक्टल बार्प इसको सेलेक्ट करना है प्लस करना है स्टैंडर्ड उसके बाद फर्स्ट पोजीशन में फर्स्ट की यहाँ पे लगा देंगे इसके इंड में चलेंगे यहाँ पे एक्स में आना है इसको पाँच हज़ार कर लेना ओके करते हैं पहले यहाँ से पाँच हज़ार ऐसे और उसके बाद यहाँ पर माइनस तीन हज़ार वाई में रख लेना ये तीन सौ हुआ तीन हज़ार ओके उसके बाद नीचे जाओगे तो यहाँ मैग्नीट्यूड है इसको जीरो पॉइंट जीरो वन जीरो रख लेना जीरो पॉइंट जीरो वन जीरो और इतना हो जाए उसके बाद इसको पूरा फुल कर लेना तो यहाँ पे हिलने वाला जो इफेक्ट है सो लग जाएगा और आपका वीडियो कम्प्लीट फिर एक्सपोर्ट कर लेना तो चलिए आज का ट्यूटोरियल आपको पसंद है और अच्छा लगा तो लाइक तो कीजिएगा चैनल पर नहीं चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा मिलते हैं अली वीडियो में तब तक के लिए वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद